नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टुर उपाध्याय। नागरिकता कानून के विरोध में किए गए हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी कि किस तरह फरवरी के महीने में सड़कों पर सीए विरोध के नाम पर तांडव किया गया था। बेखौफ होकर सड़कों पर आगजनी की गई, खुलेआम गोलियां दागी गई, पत्थरबाजी की गई और दो लोगों को मौत के घाट भी उतारा गया। इन दंगों से दिल्ली का पूरा उत्तर पूर्व इलाका युद्ध क्षेत्र बन गया था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, इसे प्री प्लान तरीके से किया गया था। इस साजिश की परतें अब धीरे धीरे खुलकर सबके सामने आ रही। दरअसल कोरोना के कहर के चलते दिल्ली दंगों की जांच ढीली पड़ गई थी, लेकिन इस पर गृह मंत्रालय की सख्ती के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच में एक बार फिर तेजी लाई है। बता दें कि दिल्ली दंगों के दौरान राजधानी पब्लिक स्कूल शिव विहार तिराहे पर भीषण दंगों को अंजाम दिया गया था। इस स्कूल की छत पर चढ़कर सैकड़ों की संख्या में दंगाइयों ने आसपास रहने वाले लोगों पर कहर बरसाया था। ये स्कूल फैजल नाम के एक शख्स का था। इस स्कूल से सटे हिंदू समुदाय के एक स्कूल को दंगाइयों ने पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया था। अगले दिन 26 फरवरी को पुलिस को जांच के दौरान स्कूल की छत से बड़ी गुलेल, ईंट पत्थर, तेजाब और पेट्रोल पंप भी मिले थे। जांच के दौरान स्कूल सील कर दिया गया था। सबूत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने 8 मार्च को फैजल को गिरफ्तार कर लिया था। फैजल से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके रिश्तेदार शाहरुख और 10 दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब फैजल और उसके 11 सहयोगियों से पूछताछ में बड़ी साजिश सामने आई है। पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को पता चला है कि दंगे के लिए बड़ी संख्या में दंगाई देवबंद और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से दिल्ली आए थे। जी हां, दिल्ली में खूनी तांडव करने के लिए रची गई साजिश का बड़ा खुलासा किया गया है। दिल्ली दंगों के तार यूपी के देवबंद से जुड़ने के बाद पुलिस अब इससे जुड़े दूसरे सिरों की जांच करने में जुट गई है। बता दें कि फैजल का वजीराबाद रोड पर भी विक्टोरिया नाम से दूसरा स्कूल है। वो न्यू जाफराबाद में परिवार के साथ रहता है। इसके कई रिश्तेदार दिल्ली पुलिस और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन में है। बताया गया कि देवबंद का लिंक आने पर संबंधित यूनिट के ACC ने स्कूल संचालक की मिलीभगत से मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बात की खबर लगने पर क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों को दोबारा से इस पर जांच कर धरपकड़ करने के सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह सीए विरोध के नाम पर दिल्ली दंगों को गहरी साजिशन अंजाम दिया गया। इन दंगों में अनपढ़ ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे जाहिल भी थे। दिल्ली दंगों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।